वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह अचानक ही देर रात जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां पर मतदान की पेटियां रखी हुई हैं, यानी कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रूम तैयार किया गया है जो 24 घंटे प्रशासन और सुरक्षा की निगरानी में रहता है। ऐसे में दिग्विजय सिंह अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय के स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सिविल लोडिंग यूनिट वापस लौटाए जाने पर सवाल उठाए। दिग्विजय के मुताबिक हाईकोर्ट के अनुसार सिविल लोडिंग यूनिट कमीशन के बाद ईसीआई को लौटाया नहीं जाना चाहिए, उसे कलेक्टर के अंडर में बॉक्स में लॉकअप किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो इंस्ट्रक्शन निकाले उसमें उन्होंने कह दिया कि 1 मई या उसके बाद के रखे जाएंगे, बाकी के लौटा दिए जाएंगे, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है। ये मैं चेक कर रहा हूँ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि गुना में तो कलेक्टर ने तो बड़ा समझदारी से काम किया और उन्होंने कह दिया कि जब तक लिख के मुझे नहीं देंगे आप तो मैं इनको नहीं लौटाऊँगा, तो उन्होंने तो उसको अपने ट्रेजरी में रख दिया, लेकिन राजगढ़ में उन्हें वापस लौटा दिया गया। हमारी हमेशा चुनाव आयोग से शिकायत रही है कि सिंबल लोडिंग यूनिट में ही सॉफ्टवेयर क्या डाला जाता है, इस पर हमें शक है, तो इसको मैं टेकअप करूंगा इलेक्शन कमीशन से भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही दिग्विजय सिंह ने सिविल लोडिंग यूनिट के सॉफ्टवेयर पर भी सवाल उठाए। खैर, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में राजगढ़ की सीट पर मतदान हुआ था, यहां से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है। मतदान हो चुका है और अब ऐसे में सभी को 4 जून को चुनाव के परिणाम आने का इंतजार है। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।